गुजरात में कल शाम तक जो कुल कोविड के पॉजिटिव केसेस आए हैं 3301 जितने कुल आए हैं, और कल के दिन जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं 230 जितने नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और 18 नए डेथ्स हैं, जिनमें से जो मात्र कोविड के डेथ हैं ये 8 ही हैं, बाकी जो 10 हैं अन्य गंभीर बीमारी के साथ जो पीड़ाते थे उनकी डेथ हुई है, जिसमें प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ कोविड 2019 नहीं है। और इस तरह से टोटल डिस्चार्ज जो लोग हुए हैं अभी तक उनकी भी संख्या हम अगर देखें तो 313 जितनी है। आज हम खास दो चीज़ कहना चाहेंगे, एक तो कि हमारे यहाँ जो डिस्चार्ज होने की संख्या और जिसकी गति है थोड़ी कम है, और वैसे मृत्यु जो कोविड की चिकित्सा दरमियान जो मृत्यु होते हैं उनकी भी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी जब हमने तज्ज्ञों और जो निष्णात लोग हैं डॉक्टर्स उनसे चर्चा की तो बताया गया है कि दो प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं, एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है, और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज़्यादा एक विरुलेंट जिसकी असर ज़्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। अलबत् जो लोग गंभीर बीमारी वाले हैं और बड़ी उम्र के हैं उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मृत्यु के केसेस निकल रहे हैं। आज एक और खास अनुरोध करेंगे कि सब हरेक नागरिक जो है अपने मोबाइल फ़ोन में जो आरोग्य सेतु है उसका ऐप डाउनलोड करें। आज के ही हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, सभी मिनिस्टर्स चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हो रही है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया और दोहराया कि ये हम सब अगर डाउनलोड करें तो बहुत अच्छा होगा, आप सबसे निवेदन है। और एक लास्ट ये भी बात कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो समरस हॉस्टल में कोविड 2019 के पॉजिटिव केसेस हैं उनको भी एक उनकी विश्वास और उनकी कंसेंट उनकी मंजूरी परवानगी लेने के बाद आयुष की चिकित्सा देने का भी एक हमने शुभारंभ किया है, और हम मानते हैं कि इससे उनकी जो चिकित्सा चल रही है उसमें और जल्दी वो पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव टेस्ट होने में उनको और भी रोग प्रतिकारक शक्ति और ठीक होने में और भी इससे एक सुविधा मिलेगी और अच्छी तरह से जल्दी ये इनकी इलाज हो जाएगी। ऐसी एक ट्रायल शुरू करने में आई है, इसके रिजल्ट्स भी जैसे जैसे आएंगे आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार।